यस, वेलकम फॉर कैपिटल गेन्स लेक्चर. रोहित सर बसा, चलो लेट्स गो अहेड नाउ. यस्टरडे वी हैव सीन वेरियस पॉइंट्स इन रिलेशन टू कैपिटल गेन कैलकुलेशन. कल अपना ये सब चीज़ें देख के हो गया था. चार्जिंग सेक्शन क्या है मैं भूल गया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन नंबर? 45. सैलरी का 15, हाउस प्रॉपर्टी का 22, पीजीपीबी का 28 और कैपिटल गेन का 45. समझेंगे वहाँ पे 44 ए बी ए डी तक हम लोग गए थे ना, 44 ए डी ए वगैरह करके, तो उधर खत्म हो गया ना 44 ए के बाद में. फिर नया सेक्शन कैपिटल गेन का चालू हो जाएगा. तो 15, 16, 17 मतलब सैलरी, 18, 19, 20, 21 आर ओमिटेड, इसके लिए वो गायब है. पहले वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके अलग एक हेड था, वो निकल गया अभी हेड, अभी अदर सोर्सेज में चला गया है. तो 18, 19, 20, 21 आर ओमिटेड. 22 से लेकर 27 तक हाउस प्रॉपर्टी, 28 से लेकर 44 तक पीजीबीपी, 45 से लेकर 55 तक कैपिटल गेन्स, 56 से लेकर 58 तक अदर सोर्सेस. समझेंगे, और सबका पहला सेक्शन मतलब चार्जिंग सेक्शन. तो 15, 16, 17 में 15 पहले इसके सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15, 18, 19, 20, 21 तो ओमिटेड है. 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, उसमें से 22 ही चार्जिंग सेक्शन. 28 से 44 इस पीजीबीपी, उसमें 28 इज चार्जिंग सेक्शन. एंड 45 टू 55 कैपिटल गेन्स, तो 45 इज द चार्जिंग सेक्शन. 56 टू 58 इज अदर सोर्सेज, तो 56 इज द चार्जिंग सेक्शन. समझ में क्या बोल रहा हूँ? ओके, उसमें से हमारा चार्जिंग सेक्शन हो गया. तो उसके अंदर तीन कंडीशन थे. कंडीशन कौन से थे? देर शुड बी अ कैपिटल एसेट, नेक्स्ट देर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट, एंड सच ट्रांसफर शुड हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द आरपीवाई. ऐसे तीन अलग अलग कंडीशन डाला हुआ था. ओके, तो कैपिटल एसेट का मतलब हमने देखा कल, निगेटिव डेफिनेशन था वो. ओके, बहुत पावरफुल डेफिनेशन है वो, हमने सीखा कल. देन वी स्टडीड सेकंड पार्ट, दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफर. उसके अंदर बोला कि जिसको हम लोग जनरली सेल बोलते हैं वो तो है ही, बट ट्रांसफर में बहुत ज्यादा चीजें आ जाती है. एग्जाम्पल इन फर्स्ट, ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स देयर इन, और कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट. ये सब चीजों को भी हमने ट्रांसफर के अंदर कवर करके हो गया था. फिर बाद में मेथड ऑफ कंप्यूटेशन के, आपको मैंने तीन अलग अलग टेक्निक सिखाए थे. एक सेक्शन 50 का था, एक सेक्शन 48 का था, और एक सेक्शन 48 को दिए हुए प्रोविजो का था. सेक्शन 50 इज एक्सक्लूसिवली फॉर डिप्रिसिएबल एसेट. उसका फॉर्मेट क्या था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग विद इन द सेम ब्लॉक. फिर उसके अंदर हमने देखे थे दो अलग अलग सिचुएशंस. एक क्या, व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट्स आर सोल्ड एंड सम एसेट्स आर स्टिल रिमेनिंग. अगर ऐसा रहेगा तो देर कैन बी डिप्रिसिएशन और देर कैन बी गेन, बट देर कैन नॉट बी लॉस. और दूसरा क्या देखा था हम लोगों ने, व्हेन होल ब्लॉक इज सोल्ड देन देर कैन बी आइदर लॉस और देर कैन बी गेन, बट देर कैन नॉट बी डिप्रिसिएशन. ये सेक्शन 50 अपना देखिए हो गया था. सेक्शन 50 में दो अलग अलग सिचुएशन रहेंगी, तो भी फॉर्मेट एक ही है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ब्लॉक ऑफ एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग विद इन द सेम ब्लॉक. फिर सेक्शन 48 आया था. सेक्शन 48 में ऐसा देखा जाए तो दिखने के लिए फॉर्मेट सेम है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है. उसके अंदर दो लाइंस का नाम चेंज हो जाता है. एक था शॉर्ट टर्म के लिए, एक था लॉन्ग टर्म के लिए. शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. फिर उसमें से 54 बी और 54 डी का एग्जम्पशन माइनस करने का रहता है. फिर जो बचेगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस. अगर पहले लॉस हुआ रहेगा, पहले से मतलब 54 बी और 54 डी माइनस करने के पहले लॉस हुआ रहेगा, तो 54 बी और डी का डिडक्शन एग्जम्पशन मिलता नहीं है. और पहले गेन हुआ रहेगा तो बाद में उसका एग्जम्पशन मिल सकता है, बट एग्जम्पशन कैनॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ गेन. फिर लॉन्ग टर्म का वर्किंग था, फॉर्मेट लगभग सेम था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू आइदर एलटीसीजी और एलटीसीएल. फिर बाद में 54 भी मिलेगा, 54 बी, 54 डी, 54 ई, 54 एफ, ऐसा अलग अलग पॉइंट्स उसके अंदर बोला हुआ था, वो सब माइनस करने को मिलेगा. और बाद में देखा था हमने, नॉन रेसिडेंट ने अगर फॉरेन करेंसी को यूज करके इंडियन कंपनी का शेयर्स परचेस किया रहेगा और उसको बाद में बेचा रहेगा, तो उसको चाहिए तो सेक्शन 48 का फॉर्मेट यूज कर सकता है, नहीं चाहिए तो वो फॉरेन करेंसी के हिसाब से पहले कैपिटल गेन कैलकुलेट करके बाद में फिर से बार उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आगे अपना कैपिटल गेन का टैक्स भर सकता है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शुड बी कन्वर्टेड इन टू द फॉरन करेंसी. फुल वैल्यू ऑफ करेंसी इन इंडियन रूपी टू बी कन्वर्टेड इन फुल वैल्यू ऑफ करेंसी इन फॉरन करेंसी बाय कंसिडरिंग वॉट? बाय कंसिडरिंग एवरेज एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर.
लेस फ्रॉम दैट ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगेन सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट इन इंडियन रुपीज, कन्वर्ट इट इन टू फॉरन करेंसी बाय कंसिडरिंग एवरेज एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. बाद में आएगा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन रुपीज, कन्वर्ट इट इन टू फॉरन करेंसी बाय यूजिंग एवरेज एक्सचेंज रेट, यस, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. फिर जो बचेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी. फिर फॉरेन करेंसी के कैपिटल गेन को तुमको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंडियन रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे कंसिडर करेंगे, बाय यूजिंग बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. ये अपना अलग अलग फॉर्मेट देखे हो गया था अभी, उसके अंदर जो तीन अलग अलग टर्म्स है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसका अपने को अभी मतलब समझ के रहने का है. सो आज का फर्स्ट लेक्चर प्रॉब्ली इज गोइंग टू बी इन दिस पार्ट ओनली. अगर ये खत्म हो गया तो अच्छी बात, नहीं खत्म होगा तो इन दैट केस फिर सेकंड लेक्चर में भी यही आएगा, और बाद में फिर स्पेशल सिचुएशन देखने का है कौन सा है करके. तो लेट अस कंसीडर नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स. फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या, और वो इंडेक्स, इंडेक्स ऐसा शब्द आया था, वो इंडेक्स शब्द का मतलब क्या होता है, वो अपने को सीखने का है. तो सबसे पहले पहला दो छोटा पॉइंट्स है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का मतलब क्या है, इट्स एन अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन एग्रीड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफर. वो हाथ में मिला नहीं मिला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैश वगैरह कुछ झंझट नहीं है. तुम्हारा कितना एग्रीमेंट वैल्यू वो देखो. इसमें कभी कभी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि PGBPM हमने देखा था लास्ट में, सबसे लास्ट का लेक्चर 43CA नाम का सेक्शन था, उसके अंदर क्या बोला था हमने, अगर वो बिल्डर है और उसने लैंड एंड बिल्डिंग में डील करता है और उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के मुकाबले कम वैल्यू रिकॉर्ड किया है, फिर हम बोलते तेरा जो एग्रीमेंट वैल्यू है वो, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना चेक करो, एग्रीमेंट वैल्यू के 110% से भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम रहेगा तो तेरा एग्रीमेंट वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, वरना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ऐसा करके बोल कर रखा था. वो यहाँ पे भी आने वाला है बाद में, वो सेपरेटली देखेंगे, लेकिन अभी बेसिकली याद रखो कि तुम्हारा एग्रीमेंट वैल्यू जो रहता है वो जनरली तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट क्या है तुम्हारा, ट्रांसफर एक्सपेंसेस. इट मींस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज, कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन टू ट्रांसफर. तो एसेट को ट्रांसफर करने के लिए तुमको ये जो अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा रहेगा तो दे आर ऑल कॉल्ड एज ट्रांसफर एक्सपेंसेस. ओके, सो वो सिंपल है. नेक्स्ट कौन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. जनरली वी ओन द एसेट्स बाय परचेसिंग देम. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स मीन द अमाउंट स्पेंड फॉर अक्वायरिंग सच एसेट्स. ओके, जिसको हम परचेस किया है उसको परचेस करने के लिए हमने जो पेमेंट किया रहेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स द अमाउंट स्पेंड बाय द एसेसी फॉर परचेसिंग द एसेट. बट समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट द एसेट इज परचेस वे बैक इन द पास्ट. ओके, इफ द एसेट इज परचेस बिफोर 1/4/2001, अभी 2024 चालू है, 2001 के 1 अप्रैल के पहले अगर आपने एसेट परचेस किया रहेगा तो गवर्नमेंट बोलता है कि तभी का पुराना जमाने का रिकॉर्ड्स कितना पावरफुल है, कितना क्लियर है, उसके बारे में हमको कुछ गारंटी नहीं है. शायद तभी के रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे वो भी हमको पता नहीं है. नहीं सर, तब मैंने घर परचेस किया था तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था उसका, और रजिस्ट्रार ने उसका कॉपी उसके पास रखा है, ऐसा मुझे मालूम है. मैं बोलूँगा सच्ची बात है, दैट्स ट्रू, ऑल दिस थिंग्स आर ट्रू, बट 2001 के पहले की बात है, वी डोंट नो एट द टाइम. रजिस्ट्रार के ऑफिस में आज के जैसा सारा का सारा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स नहीं रहता था. आपने जो कॉपी दिया वो उसका एक जेरोक्स कॉपी उनके पास रखा रहता था, पर उनके ऑफिस में ऐसा थप्पी लगा रहता था पूरा. बीच में बहुत सारा बारिश आ गया, रजिस्ट्रार के ऑफिस में पानी चला गया, हो सकता है डिफिकल्टी आ गया करके. सो वी डोंट नो एक्जैक्टली वेयर द अमाउंट इज नाउ. समझा मैं, क्या तुम्हारे पास का कॉपी वो भी खराब हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने के टाइम की तरह तो गड़बड़ हो गया है. Are you getting the point? So, it's a difficult thing. We are accepting that particular thing. So, बोलते हैं, if the asset is purchased before 1/4/2001, और नहीं सर, उसका कॉपी भी एकदम इंटैक्ट है, हमारा कॉपी भी एकदम इंटैक्ट है, अभी क्या? उनका फिर भी वो बहुत पुराना रिकॉर्ड्स है, तभी के मुकाबले इकोनॉमी अभी काफ़ी चेंज हो चुकी है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? 1/4/2001 के पहले की इकोनॉमी एंड 2024 की इकोनॉमी इज टोटली डिफरेंट. सो तभी का प्राइस लेवल और अभी का प्राइस लेवल इज टोटली डिफरेंट. सो आपने 1976 में घर परचेस करके रखा था, जस्ट एग्जांपल, और अभी 2024 में बेचने को जा रहे हो, लगभग 48 साल के बाद में, 48 ईयर्स के बाद में यू आर गोइंग टू सेल द हाउस. तो बोलेंगे यार ये 48 ईयर्स पुराना जो इकोनॉमी था वो और अभी का जो इकोनॉमी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. 1976 नो कंप्यूटर्स. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? 1976 नो कंप्यूटर्स, अभी कंप्यूटर्स तो क्या अपने हाथ में भी कंप्यूटर रहता है वो, और 1976 के बाद में जो कंप्यूटर्स इंडिया में आए थे उसके मुकाबले अपने हाथ के मोबाइल का भी पावर ज़्यादा रहता है अभी, एक्चुअली स्पीकिंग. ओके, सो इट्स अ टोटली डिफरेंट इकोनॉमी ना. तो दैट तभी का प्राइस लेवल अभी का प्राइस लेवल इन दोनों को कंपेयर करना इज नॉट समथिंग विच इज़ करेक्ट. तभी भारत में कितने जगह पे रेलवेज थी, अभी कितनी जगह पे रेलवेज है, तभी कितने हाईवेज थे, अभी कितने हाईवेज है. 1976 मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी नहीं था, सिंपल. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इकोनॉमी वॉज टोटली डिफरेंट. तभी कोकण रेलवे भी नहीं था, सो इट वॉज अ टोटली डिफरेंट इकोनॉमी. यू कैन नॉट, तभी इतने सारे एयरपोर्ट्स नहीं थे, मुंबई का एयरपोर्ट भी काफ़ी छोटा था. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इट इज़ टोटली, तभी इतने सारे अलग अलग एयरलाइंस भी नहीं थे,
तो इकोनॉमी में और टीवी चैनल भी एक ही टीवी चैनल 1976 में, मतलब 1984 के 82 82 में मेरे ख्याल से एशियाड आया था, तभी कलर टीवी इंडिया में आया, जस्ट इमेजिन। उसके पहले कलर टीवी भी नहीं था, शाम को 5:30 बजे टीवी चालू होता था। तो मतलब ऐसा अलग अलग एंटरटेनमेंट सेक्टर में कोई काम कर रहा है, कोई टीवी सीरियल में काम कर रहा है, ये सब जॉब्स अपॉर्चुनिटी थे ही नहीं तभी किधर भी करें। सो टोटली डिफरेंट वे इन विच द थिंग्स आर हैपनिंग, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो हम बोलेंगे ठीक है यार, तभी की इकोनॉमी के प्राइस लेवल को अभी के इकोनॉमी के प्राइस लेवल के साथ कंपेयर करके आपको प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ ऐसा बोलना बराबर नहीं है। उससे अच्छा हम क्या करते हैं फिर, अगर एसेट इज परचेज बिफोर 1/4/2001 देन फॉर यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन बी इक्वल टू आइदर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच यू आर हैविंग द डिटेल्स ऑफ और एफ एम वी ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। एफ एम वी का मतलब क्या है, इट इज फेयर मार्केट वैल्यू। एफ एम वी का मतलब होता है फेयर मार्केट वैल्यू। सर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू कहां से आया। हम बोल रहे हैं देखो भैया, अगर आपने एसेट परचेस किया है, परचेस करने के लिए आपने जो भी कुछ पेमेंट किया है वो सारा का सारा अमाउंट आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, काम खत्म। लेकिन अगर आपने एसेट बहुत पुराने जमाने में परचेस किया रहेगा, बहुत पुराने जमाने में 1976 1950 तभी का, मेरे दादाजी ने परचेस किया हुआ एसेट है, वो दादाजी के पास है, पिताजी के पास क्या है, पिताजी का से मेरे पास आया, अब मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो अभी का प्राइस लेवल अलग है, दादाजी के टाइम का प्राइस लेवल अलग है, तो कैसे कंसिडर करने का। बोलेंगे ठीक है फिर आपको एक ऑप्शन देंगे हम लोग, कौन सा ऑप्शन, आइदर द कॉस्ट ऑफ द एसेट और एफ एम वी ऑन 1/4/2001। मतलब ये एसेट आपने जब परचेस किया है तब परचेस किया नहीं रहता था, जब परचेस किया तभी परचेस नहीं किया रहता था, बल्कि 1/4/2001 को परचेस किया रहता था, तो आप उसको कितने में परचेस करते थे। सर बट ये कहां से मिलेगा आपको एफ एम वी ऑन 1/4/2001। देखो इतना पुराना एसेट है और अभी भी जिंदा है और उसको बेच के आपको सामने कस्टमर खड़ा है, तो ऐसा कौन सा एसेट रह सकता है। इट कैन बी आइदर शेयर्स और इट कैन बी गोल्ड और सिल्वर, मतलब बुलियन और डायमंड वगैरह वगैरह प्रेशियस स्टोन्स, और इट कैन बी लैंड और बिल्डिंग। इसके अलावा और कोई एसेट ऐसा नहीं है कि जो इतना पुराना है और अभी भी उसको बेचा जा सकता है, अभी भी टिका है और उसको बेचने के लिए सामने कस्टमर खड़ा है वगैरह करके। और इनका सबका आपको हमेशा रिकॉर्ड मिलेगा, शेयर्स का आपको शेयर मार्केट में डिटेल्स मिल जाएगा, गोल्ड और सिल्वर का बुलियन मार्केट में उसका रेट रहता है कि कौन सा उसे जिनको क्या क्या रेट से करके, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए तो अपने को रजिस्ट्रार के पास का रेडी रेकनर का रेट मिल जाता है, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो इसका रेट अपने को मिल जाएगा 1/4/2001 का, एट दैट टाइम इफ यू वुड हैव परचेज इट देन यू वुड हैव परचेज इट एट दिस प्राइस, ऐसा करके हम लोग कंसिडर करेंगे। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो जनरली वी ओन द एसेट बाय परचेसिंग देम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट मीन्स द अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग सच एसेट्स, सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स द अमाउंट स्पेंड बाय द एसईसी फॉर परचेसिंग द एसेट, इफ द एसेट इज परचेज बिफोर 1/4/2001 देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज हायर ऑफ परचेस कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 1/4/2001। क्लियर, जब मैं स्टूडेंट था तब इसको 1/4/91 बोलते थे, सॉरी 81 नहीं 1/4/81 बोलते थे, समझे क्या। फिर 2001 आ गया, अभी मेरे ख्याल से शायद अभी और एक 5-6 साल हो जाएगा तो इट विल बिकम 1/4/21 और 1/4/31, दैट विल बिकम जनरली, क्योंकि 20-25 साल में इकोनॉमी पूरा पूरा चेंज होता है, इकोनॉमी के अंदर का सारा सिस्टम चेंज होता है। देन दे से दैट ओल्ड रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहेंगे तो भी ओल्ड प्राइस लेवल को करंट प्राइस लेवल के साथ कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। दैट्स व्हाई दे गिव दैट फैसिलिटी। हाउएवर एन एसएससी कैन ऑल्सो ओन द एसेट विदाउट परचेसिंग द सेम, कभी कभी ये तो लेफ्ट साइड जो है वो किसके लिए है, एसेट आपने ओन किया कैसे बाय परचेसिंग द सेम, राइट साइड किसके लिए है, इफ द एसेट इज ओन बाय द एसएससी विदाउट परचेसिंग द सेम, फॉर एग्जांपल एसेट ओन बाय इनहेरिटेंस, मतलब बाय लीगल हेयर है तो अपने इनहेरिटेंस करके आ गया। द एसेट्स आर नॉट परचेस बट दे आर रिसीव्ड बाय द एसएससी, सेक्शन 49 गिव्स अ लिस्ट ऑफ ऑल सच सिचुएशंस वेयर द एसएससी बिकम्स ओनर ऑफ द एसेट विदाउट परचेसिंग देम, उसको परचेस किए बिना ओनर कैसे बन सकता है, उसका डिटेल सेक्शन 49 में आया हुआ है। ओके तो ये स्पेशल केसेस है, मैं कल बोला था आपको कि सेक्शन 49 अपने को सीखने का है, तो अपने को सेक्शन 49 भी सीखने का है। उसका बेसिक रूल क्या रहेगा कि जनरल लॉजिक रहता है कि कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट टू यू, मेरे लिए कॉस्ट कितना, मेरे पिताजी के जितना, पिताजी ने जो कॉस्ट पे किया रहेगा उतना, नहीं सर पिताजी ने भी पे नहीं किया था, दादाजी ने पे किया, तो दादाजी का कॉस्ट मतलब पिताजी का कॉस्ट मतलब मेरा कॉस्ट, ऐसा करके वो ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज गिवन इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। उसके अलावा 49(2)(a) शेयर्स अक्वायर्ड बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, 49(2)(aa) इसॉप एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, 49(2)(c) शेयर्स अलॉटेड इन स्कीम ऑफ डीमर्जर, 49(2)(d) ओरिजिनल शेयर्स हेल्ड इन द डीमर्ज कंपनी एंड 49(4) डोनी। ऐसे अलग अलग सिचुएशन अपने को कंसिडर करने के हैं, इसमें अपने को कॉस्ट कैसे कंसिडर करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आई हैव रिसीव्ड द एसेट फ्रॉम समबडी एल्स, दैट मीन्स आई डिड नॉट परचेस इट, व्हाट शुड बी द कॉस्ट टू मी, आई रिसीव्ड इट एंड नाउ आई एम सेलिंग इट, एसेट पहले मिला पैसा तो कुछ दिया नहीं और बाद में एसेट बेचा पैसा मिल रहा है,
अब मुझे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना क्या है, तो मुझे उसमें से कॉस्ट ऑफ वैकेशन माइनस करना है, बट कॉस्ट ऑफ वैकेशन कुछ है नहीं क्योंकि मैंने एसेट परचेस नहीं किया था, मुझे एसेट मिला हुआ है, तो फिर क्या करना है, दैट इज टोल्ड इन 49 सबसेक्शन 1। नहीं सर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं वो शेयर्स की बात कर रहा हूँ जो पहले कौन थे, डिबेंचर्स थे। मैंने क्या किया था, रिलायंस कंपनी के डिबेंचर्स परचेस किए थे, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। रिलायंस ने जब डिबेंचर्स इशू किए तब उन्होंने बोल के रखा था कि डिबेंचर्स का जिंदगी 10 साल है और 10 साल जब खत्म हो जाएंगे तो एट दैट टाइम दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस एज पर योर ऑप्शन। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप उसको रिलायंस के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए रहेगा तो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको रिपे कर देंगे। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऐसा करके बोला रहेगा। तो शेयर्स एक्वायर्ड बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, तो मैंने क्या किया था, डिबेंचर्स परचेस किए थे, बाद में 10 साल खत्म हो गए, 10 साल खत्म होने के बाद में रिलायंस ने पूछा सर डिबेंचर का जिंदगी खत्म होने का आया, अभी बोलो आपको कैश चाहिए कि शेयर चाहिए, मैंने बोला मुझे शेयर चाहिए, तो उन्होंने शेयर दिया। फिर शेयर्स लेने के बाद एक साल दो साल तीन साल चला गया, फिर बाद में आराम से मैं शेयर्स बेचने को गया तो बेच के मुझे पैसा मिला, वो तो हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस क्या करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट शेयर्स का कॉस्ट जीरो है क्योंकि मैंने शेयर्स परचेस ही नहीं किया था, मुझे शेयर्स मिल गया है कैसे, बिकॉज ओरिजिनली डिबेंचर्स वर परचेस, पेमेंट किया था किसके लिए, डिबेंचर के लिए, और डिबेंचर को बेचा ही नहीं, बेचा किसको, शेयर्स को, और शेयर्स के लिए पेमेंट किया ही नहीं था, तो डिबेंचर के कॉस्ट को शेयर्स के कॉस्ट को कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, अप्लाई कर सकता हूँ क्या। अगर रिलायंस ने मुझे पूछा कि सर आपने डिबेंचर्स कितना परचेस किया, बोला 5 लाख रुपए का डिबेंचर्स परचेस किया था, सर आपको अभी इक्विटी शेयर चाहिए, मैं बोला हाँ इक्विटी शेयर चाहिए, लेकिन मुझे पूरे पूरे 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स का इक्विटी शेयर नहीं चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए का कैश दे दो, बाकी के 3 लाख को कन्वर्ट करो, तो अभी तुम बोलोगे हाँ सर चलो फिर 3 लाख का कन्वर्ट किया। नाउ द क्वेश्चन विल बी डिबेंचर्स का कॉस्ट विल बी कंसिडर शेयर्स का कॉस्ट, तो 5 लाख कंसिडर करने का कि 3 लाख कंसिडर करने का, बाद में अपने को झगड़ा नहीं चाहिए, इसके लिए सेक्शन 49(12) आया हुआ है कैसे करना है कैसे नहीं करना है करके, ओके। बाद में ईसॉप और स्वेट इक्विटी, ईसॉप मतलब क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी मतलब क्या, तुमने काम करके खून पसीना बहाया है बट खून पसीने का तुमको सैलरी नहीं मिला है, उसके बदले में तुमको शेयर्स मिल रहा है, क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो सर उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने का, क्योंकि ईसॉप में जनरली क्या होता है, मैं तुमको बोलता हूँ देखो भाई तुम मेरे साथ काम करने को आ जाओ, मैं तुमको सैलरी देता हूँ, लेकिन तुम बाकी जगह पे काम करने को जाओगे शायद तुमको सैलरी पर मंथ 5 लाख मिल सकता है, मेरे साथ काम करने को मैं तुमको सैलरी सिर्फ 1 लाख रुपये पर मंथ दूंगा, तुम बोलोगे सर क्या पागल हूँ क्या, बाकी जगह पे 5 लाख मिलेगा आपके पास 1 लाख मिलेगा आपके पास क्यों काम करने को आऊँगा, बोलते देखो लेकिन ऐसा करो बाद में तुम मेरे कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते हो, तुम बोलोगे सर और भी पागलपन, एक तो मुझे 5 लाख के सामने 1 लाख ही देने वाले हो और बाद में आप मुझे कंपनी के शेयर्स फ्री में देने के बजाय फिर से मेरे पास ही पैसा मांगने वाले हो, तो सर ये कुछ बात हजम नहीं हुई। मैं बोलता हूँ नहीं जरा सोच के देखो, मैं तुमको आज 1 लाख रुपया दूंगा, तुम्हारा 4 लाख रुपया मैंने दिया नहीं मुझे पता है, लेकिन अगर तुम मन लगा के काम करोगे तो कंपनी काफ़ी बड़ी होते जाएगी फटाफट से, 3 साल तक मन लगा के काम करो, मतलब मुझे भी टेंशन नहीं कि बाबा आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं बाकी सब चीज़ों पर फोकस करूँगा, मार्केटिंग पे तो और पैसा रेज करने का क्या, सब चीज़ के ऊपर शार्ट टाइम में जाऊँ इधर जाऊँ उधर जाऊँ क्या क्या करने का करूँगा, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम इधर मन लगा के काम करो, मुझे टेंशन नहीं रहना चाहिए, फिर इसके से शेयर्स का भाव धड़ाधड़ बढ़ना चालू हो जाएगा क्योंकि अपना कंपनी बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है, हम लोग जोमेटो जैसे, हम लोग स्विगी जैसे, हम लोग ऊबर जैसे, हम लोग ओला जैसे, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। हम लोग पहले क्या करेंगे, बहुत सारा मार्केट पेनिट्रेट करने को जाएंगे, मार्केट पागल सा कैप्चर करने का कोशिश करेंगे, एक बार लोगों को अपने पर्टिकुलर सर्विस की आदत लग गई देन देर इज नो डिफिकल्टी फॉर अस, फिर बाद में हम लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट चार्ज करेंगे तो भी चलेगा अपने को, क्यों, क्योंकि अपना कस्टमर बेस काफ़ी बड़ा रहेगा, बड़ा कस्टमर बेस रहेगा मतलब नो डिफिकल्टी, वी कैन वर्क ऑन दैट पार्ट लथिंग। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया, चलो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट पार्ट, तब मैं तुमको शेयर्स दूंगा हमारी कंपनी के अगर तुम परचेस करोगे तो, लेकिन नॉर्मल लोग अगर हमारे कंपनी के शेयर्स परचेस करने को आएंगे तो उनको जितना पैसा देना पड़ेगा उसके मुकाबले तुमने काफी कम पैसा देने का है, तो तुम कम पैसा देके मेरे पास से शेयर्स परचेस करो और बाद में नॉर्मल लोगों को शेयर्स बेच के उनके पास से पैसा ले लो, मतलब कंपनी के सिर पे कैश देने की झंझट झंझट नहीं आएगी, तुमको कैश ये मिल जाएगी किधर से, लोगों के पास से, क्योंकि लोगों को हमारी कंपनी के शेयर्स परचेस करने में बड़ी दिलचस्पी रहेगी, क्यों दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि हमारा टीम सॉलिड है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, ऊपर से हमने बहुत बड़ा कस्टमर बेस क्रिएट करके रखा हुआ है, सो पीपल विल बी वेरी हैप्पी टू परचेस द शेयर्स ऑफ आवर कंपनी, तो यू कैन सेल द शेयर्स, यू कैन गेट योर कैश, अच्छी बात। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा फिर, अभी तुम बोलोगे कि सर मैं शेयर बेचने को गई, मुझे शेयर्स मिल गया, शेयर का पैसा मिल गया, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस फ्रॉम दैट कॉस्ट, बट यू हैव पेड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फॉर कॉस्ट, तो इनकम टैक्स बोलेगा फिर जो तूने एक्चुअली पे किया आनंद सर को अभी वही तेरा कॉस्ट है, तो बोलेगी सर लेकिन मैं पिछले 3 साल से जब मुझे 5 लाख रुपए का सैलरी मिल सकता था पर मंथ, मतलब 60 लाख रुपए मिल सकता था पर एनम, तब मैं 1 लाख रुपए के हिसाब से काम कर रही थी, मतलब सिर्फ 12 लाख ले रही थी, मतलब 48 लाख रुपीज विच आई कुड हैव रिसीव्ड आई डिड नॉट रिसीव फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर 48 लाख प्लस 48 लाख मतलब 96 लाख प्लस 48 लाख, सर बहुत बड़ा अमाउंट है, 1 करोड़ के ऊपर चला गया वैसा अमाउंट,
वो पैसा मैं मिल सकता था लेकिन नहीं लिया है, इसके बदले में मुझे शेयर्स का कीमत कम परचेस करने को मिल रहा है, तो सर उसको भी कॉस्ट में ऐड करने का कि नहीं करने का? द सैलरी विच आई कुड हैव गॉट बट आई डिड नॉट गेट, समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉम्प्लिकेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा सेक्शन आएगा? 49(2)(a), समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट कौन है? 49(2)(c), शेयर्स अलॉटेड इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, पुराने कंपनी के शेयर्स थे और वो कंपनी टूट के उसके दो कंपनी बन गई है, तो उसका डीमर्जर के सिचुएशन में अमाउंट कैसे कैलकुलेट करने का वो सीखना पड़ेगा। 49(2)(d), ओरिजिनल शेयर सेल्ड इन डीमर्ज कंपनी, पुराने कंपनी के शेयर्स के बदले में नए कंपनी के शेयर्स मिल रहा है, तो पुराने कंपनी के शेयर्स का कैपिटल गेन आया कि नहीं आया कैसे कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट एंड डोनी, अगर सपोज मैं डोनी हूँ, मतलब मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, लीगल हेयर वगैरह नहीं, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है, हमारा कोई अनाथ आश्रम है, हमको किसी ने ज़मीन दे दिया गिफ्ट में, डोनेशन करके दे दिया, बहुत बड़ा ज़मीन दे दिया, हमने बोला इतना बड़ा ज़मीन का क्या करने का अपने को, मिल गया तो हमने पहले सोचा था कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बाद में समझ में आ रहा कि अपने को नहीं जमने वाला इतना करने के लिए, तो उसमें से सम पार्ट ऑफ लैंड वी आर गोइंग टू सेल, तो उसका कॉस्ट अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा। दीज आर द डिफरेंट सिचुएशन विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 49 अंडर डिफरेंट सब सेक्शंस। बट पहले क्या कर लो, पहले ज़रा एफर्ट से लिख लो, FVC का मतलब क्या, ट्रांसफ्रेक्शन का मतलब क्या, फटाफट से लिख लो पहले चेहरे पे क्वेश्चन मार के, क्या हुआ नम्रता? नहीं मी काल दिलत नव्हतं तुम्हाला, क्योंकि आगे का पॉइंट्स काफी बड़ा बड़ा है, तो बाद में लिखने को मैं तो उससे अच्छा फटाफट से लिखना चालू कर दो अभी। आइए सर जी, मोस्ट वेलकम, हे क्या तुमची वाट बघत होती, किती नीरज सर हो, येस मला बोलला कंप्लीट जी है मैडम, ओके चलिए। यस नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
कंप्लीट जी मैडम। ओके चलो, सिर्फ ये ऊपर का ही पॉइंट लिख के ले लो, नीचे का टेबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट आइए सुकेश जी, मोस्ट वेलकम। सुकेश पहले ये लिखना है, ये पहले लिखना है, दिस इज द फर्स्ट लाइट टू बी रिटन, दिस इज द सेकेंड वन। हो गया सबका? चल सबसे पहले कौन है? सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, वो क्या बोलते हैं, इन द फॉलोइंग केसेस द कॉस्ट टू द एसएससी इज इक्वल टू कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। मतलब अभी के एसएससी का कॉस्ट इज इक्वल टू प्रीवियस ओनर का कॉस्ट, सिंपल। ओके, ट्रांसफर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ थी और एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, पार्टीशन हो गया तो फिर क्या कर दिया, एचयूएफ के जो एसेट्स थे वो धीरे धीरे एक एक एचयूएफ के कर्ता को, को पार्सर को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो वो जो को पार्सनर है या फिर वो जो करता है उसने वो एसेट परचेस नहीं किया था, एसेट किसने परचेस किया था, एचयूएफ ने, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। और बाद में एचयूएफ ने उसको एक साल, दो साल, तीन साल, दस साल तक यूज़ किया, बाद में एचयूएफ में झगड़े हो गए, उन्होंने डिसाइड किया कि उसको पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन करके उसको हम लोग आगे जाएंगे, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो फिर एक भाई को एक बंगला मिला, एक भाई को दूसरा बंगला मिला, ऐसा करके हो गया। फिर वो भाई ने बाद में और 5-6 साल के लिए, 10-15 साल के लिए बंगले को यूज़ किया, बाद में उसको बेचने को डिसाइड किया, गोल्ड मिला किसी को, किसी को शेयर्स मिला, किसी को और क्या, किसी को और क्या, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। फिर बाद में उसने वो बेचने को डिसाइड किया, तो जब वो बेचने को जाएगा तो उसको मिलेगा वो क्या रहेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट। बोलेगा लेकिन मुझे कॉस्ट तो कुछ है नहीं क्योंकि मैंने परचेस नहीं किया था, परचेस नहीं किया था, हमारे एचयूएफ ने परचेस किया था, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर इन दैट केस द कॉस्ट टू यू इज इक्वल टू कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, मतलब कॉस्ट टू द एचयूएफ। गॉट द आईडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? सेकंड वन कौन है, ट्रांसफर अंडर गिफ्ट और विल। गिफ्ट में और विल में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? गिफ्ट में और विल में क्या फर्क है, और बोला ना मैंने, गिफ्ट में देने वाला और लेने वाला दोनों जिंदा रहते हैं, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। और विल में देने वाला जाने के बाद में ही उसके नाम से जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द विल विल बी गिवन टू द पर्सन, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा ट्रांसफर रहेगा, गिफ्ट की वजह से रहेगा ना तो विल की वजह से रहेगा, अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे फिर, रिसीवर के लिए कॉस्ट जीरो है एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि रिसीवर को तो मिल गया है, फिर कॉस्ट टू द रिसीवर इज इक्वल टू कॉस्ट टू द गिवर। व्हाट द आइडिया? नेक्स्ट वन कौन सा, ट्रांसफर बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन। तो सर विल ऊपर आ गया था ना यहाँ पे ऑलरेडी, तो फिर से सक्सेशन इनहेरिटेंस वाला क्या को बोल रहे हो यहाँ पे सब चीज़ें,
इफ अ पर्सन डाइज बाय मेकिंग अ प्रॉपर विल, इन दैट केस इट विल बी कवर्ड अंडर द सेकंड कैटेगरी. बट इफ अ पर्सन डज नॉट डाई विथ बाय मेकिंग अ विल, मतलब उसको बोलते हैं इंटरस्टेट गया वो करके विदाउट मेकिंग अ विल, इन दैट केस फिर उसका प्रॉपर्टी किसको जाएगा, दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय हिज विल बिकॉज देर इज नो विल नाउ, इट विल बी डिसाइडेड बाय द लॉ अंडर विच ही इज गवर्न, दैट इज इनहेरेंस लॉ. फिर बाबा लीगल एयर कौन है उसका, वो क्या, अगर हिंदू रहेगा तो ऐसा, मुस्लिम रहेगा तो कैसा, वो उनका अलग अलग पर्सनल लॉज भी रह सकता है उसके लिए. ओके, बेस्ड ऑन दैट सक्सेशन इनहेरिटेंस के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी मिल गया रहेगा और बाद में जिसको मिला उसने बेचा रहेगा, तो जो बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा, फुल वेल ऑफ कंसिडरेशन माइनस क्या करने का है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट किधर है, कॉस्ट तो है नहीं क्योंकि मैंने परचेस नहीं किया था, मुझे तो इनहेरिटेंस में मिल गया है, बोलिए फिर कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ यू. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एट डिसोल्यूशन बिफोर 1487 ऑफ अ फर्म और एओपी और बीओआई. सो अगर कोई फर्म है एओपी बीओआई है, वो 1487 के पहले उसका डिसोल्यूशन हो गया है और उस वक्त उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स करके रखा था और बाद में वो एसेट जिनको मिला है वो लोग अभी वो एसेट बेचने को जा रहे हैं, तो इन दैट केस उनको जो पैसा मिलेगा दैट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. कॉस्ट क्या रहेगा, कॉस्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस फर्म और प्रीवियस एओपी और प्रीवियस बीओआई. नेक्स्ट, ट्रांसफर अंडर रिवोकेबल और इरिवोकेबल ट्रस्ट. रिवोकेशन ये शब्द मेरे ख्याल से आपने सीए फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीखा हुआ था, रिवोकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, ऐसा पॉइंट उसके अंदर आता है. टू रिवोक मीन्स टू टेक बैक, जो देता है वही वापस ले सकता है. सो ऑफर कैन बी रिवोक्ड ओनली बाय द ऑफरर, कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय एक्सेप्टर, क्योंकि दिया किसने, ऑफरर ने, तो वापस कौन लेगा, ऑफरर वापस लेगा, एक्सेप्टर वापस नहीं लेगा. सिमिलरली एक्सेप्टर मैक्सिमम क्या कर सकता है, ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है बट रिवोक नहीं कर सकता. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया. सिमिलरली एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज ओन एक्सेप्टेंस, मैं एक्सेप्टेंस भेज रहा हूँ लेकिन एक्सेप्टेंस तुम तक पहुंचने के पहले अगर मैं उसको वापस ले लिया, इन दैट केस इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर मी टू रिवोक इट. सो रिवोकेशन मतलब जो देता है वो देने के बाद उसको वापस ले सकता है. तो ट्रांसफर अंडर अ रिवोकेबल और इरिवोकेबल ट्रस्ट कैसे भी किया रहेगा, आपने जो ट्रस्ट बनाया है कि बाबा ये प्रॉपर्टी ये ट्रस्ट नाम से करके रखता हूँ, फिर ये प्रॉपर्टी विल बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ सो एंड सो, ऐसा मैंने प्रॉपर्टी खुद ट्रांसफर कर दिया है, तो अभी बाद में वो ट्रस्ट जो है जिसको मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसने उस पर्पस, मैंने बोल के रखा था 10 साल तक ऐसा करना है, 15 साल तक ऐसा करना है, बाद में ट्रस्ट डिसॉल्व करके वो प्रॉपर्टी बेच के उसका पैसा लेके इनको इनको देना है, ऐसा करके बोल के रखा था. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो 10-15 साल के अपने ट्रस्ट ने उसको बेचने को गया तो ट्रस्ट को पैसा मिला, विल बी कॉल्ड एज फुल वैल्यू कंसिडरेशन फॉर द ट्रस्ट लेस फ्रॉम दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. बट ट्रस्ट बोलेगा मैंने तो इसको परचेस नहीं किया था, मुझे वो ट्रस्ट में मिला हुआ था. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ. तुम बोलोगे ठीक है, फिर ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द ट्रस्ट. नेक्स्ट, ट्रांसफर बाय अ होल्डिंग कंपनी टू इट्स होल्ली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी और ट्रांसफर बाय अ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी टू इट्स इंडियन होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ने एक दूसरे को ट्रांसफर किया रहेगा तो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द न्यू ओनर, प्रोवाइडेड देखो ट्रांसफर बाय अ होल्डिंग कंपनी टू इट्स होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, एंड यहाँ पे ट्रांसफर बाय होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी टू इट्स इंडियन होल्डिंग कंपनी. जब जिसको ट्रांसफर कर रहे हो इंडियन रहना चाहिए, क्या समझ सकते, मैं कैसे बोल रहा हूँ. और होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कैसा रहना चाहिए, होल्ली ओन वाला रहना चाहिए, 100% होल्डिंग रहना चाहिए. एक्चुअली स्पीकिंग होल्डिंग कंपनी होने के लिए तुम्हारे पास सामने वाले के पास से मोर देन 50% शेयर रहेगा तो भी तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट होता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. मोर देन 50% रहेगा तो भी तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट होता है, लेकिन हम बोलते हैं वो वाला सिचुएशन को मत कंसिडर करो. अगर 100% होल्डिंग सब्सिडरी रहेगा तो ही कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ यू, गॉट द आइडिया. Provided receiver is an Indian company. Giver may not be an Indian company, but receiver should be Indian company. And relationship should be wholly owned. Clear? Next part. Transfer by an amalgamating company to amalgamated company in the scheme of amalgamation. And transfer by way of conversion of self-acquired property by a member into HUF property. सबसे पहला point था distribution of HUF का property to its members on partition. Last problem उल्टा है, last point उल्टा है. कि जहाँ पे मेंबर ने, अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल, एचयूएफ कैसे बनता है, एचयूएफ के लिए दे शुड बी करता एंड मतलब उसका लीनियली असेंडेंट और डिसेंडेंट पर्सन ऐसा करके बोल के रखा हुआ है. तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि चलो मुझे क्या करना है, मुझे एक एचयूएफ चालू करना है, आनंद मोरे एचयूएफ. ओके, मेरा एचयूएफ है ऑलरेडी, रोहित को मालूम है, रोहित को मैंने बोला था कि वो पैसा उसको ट्रांसफर करने का क्या करने का. तो इन दैट केस आनंद मोरे एचयूएफ करके मेरा एचयूएफ है, उसका बैंक अकाउंट अलग से बनाया. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ. बैंक अकाउंट बनाने के टाइम मैंने बैंक को बोला कि भाई ये देखो इसमें मैं साइन करूंगा मेरा साइन, बट ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये मेरा एचयूएफ का नाम अकाउंट है, तो मुझे स्टैम्प मारना पड़ता है फॉर आनंद मोरे एचयूएफ प्रोपराइटर, सॉरी एच करता, ऐसा करके मुझे लिखना पड़ता है वहाँ पर. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ. दैट इज एचयूएफ. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. फिर
एचयूएफ के बैंक अकाउंट में जो पैसा आ गया है उसमें से एचयूएफ हमारा बिजनेस का जो खर्चा रहेगा वो कर दी जाती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, फिर कुछ पैसा बचेगा वो एचयूएफ का पैसा हो जाता है। दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग एचयूएफ, दैट इज एचयूएफ इज क्रिएटेड बाय वे ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इन द नेम ऑफ एचयूएफ। सुनो मैं कैसे बोल रहा हूँ। सेकंड वे ऑफ क्रिएटिंग एचयूएफ इज बाय परचेसिंग प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ एचयूएफ। मतलब मेरे पास बहुत सारा पैसा था ऑलरेडी सेविंग करके रखा था, उससे मैं खुद के नाम से प्रॉपर्टी परचेस कर सकता था, लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करने का, शेयर्स परचेस करने का, एफडी परचेस करने का वगैरह वगैरह बोल सकता हूँ। डायरेक्टली क्या करने का, लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करने का जाऊँगा, एग्रीमेंट करने का, मेरे नाम से साइन करूँगा, बस काम खत्म। बस दूसरा ऑप्शन क्या बोलूँगा, नहीं मेरे नाम से नहीं, मेरे नाम से परचेस करते टू बिकम माय पर्सनल प्रॉपर्टी। मैं बोलता हूँ साइन मैं ही करूँगा, पैसे मेरा यूज़ करूँगा, लेकिन नाम क्या रखूँगा, साइन करने के टाइम उधर स्टैम्प मारूंगा फॉर अनन मोर एचयूएफ। सो हियर नाउ द एचयूएफ इज क्रिएटेड नॉट आउट ऑफ बिजनेस बट आउट ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ एचयूएफ। आई यूज माय पर्सनल कैश फॉर परचेसिंग प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ एचयूएफ। तीसरा सिचुएशन, मैंने पहले ही प्रॉपर्टी परचेस कर रखा था खुद के नाम से, फिर 5-6 साल का मुझे लगा अरे यार एचयूएफ के नाम से कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट विल बी इजी फॉर मी, प्रॉपर्टी का भी रेंट पे जाना चालू हो रहा है, तो इट इज बेटर दैट आई विल ट्रांसफर इट इन द नेम ऑफ माय एचयूएफ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके, तो फिर एचयूएफ को, क्योंकि उसका स्लैबरेट अलग आ जाता है, मेरा स्लैबरेट अलग हो जाता है, तो दिस इज गुड थिंग फॉर मी, ऐसा करके मैंने सोचना चालू कर दिया। गॉट इट? फिर वो प्रॉपर्टी मैंने भाड़े पे दे दिया, चालू कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा पर्सनल कैश को यूज करके मैंने खुद के नाम से पहले प्रॉपर्टी परचेस करके रखा हुआ था, और फिर अभी मैंने फिर से नया प्रॉपर्टी परचेस नहीं किया, पहले से परचेस किया प्रॉपर्टी मैंने कन्वर्ट किया है, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी बाय अ मेंबर ऑफ एचयूएफ इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी। तो मैंने बोला कि अभी एचयूएफ चालू करने के लिए मैंने मेरा प्रॉपर्टी एचयूएफ को दे दिया है, जिस तरह से पार्टनरशिप में हम पार्टनर को एडमिट करते क्या बोलते कैपिटल लेके आ जा, वैसे यहाँ पे हमने क्या बोला कि मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी मैंने एचयूएफ के प्रॉपर्टी के नाम में ट्रांसफर कर दिया, बाकी कुछ किया नहीं। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, परचेस करने टाइम साइन किसके नाम से था, मेरे खुद के नाम से था, लेकिन बाद में मैंने एक एग्रीमेंट किया, बोला कि अभी मैं एचयूएफ स्टार्ट कर रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी आज से मेरा नहीं कहलाया जाएगा, ये एचयूएफ का प्रॉपर्टी कहलाया जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो एचयूएफ को प्रॉपर्टी फ्री में मिली है, सो कॉस्ट टू एचयूएफ इज जीरो, बट सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 क्या बोलेगा, कॉस्ट टू एचयूएफ इज इक्वल टू कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। गॉट इट? चलो लिख लो फटाफट से।
कंप्लीट, शैल आई गो फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन? ओके ग्रेट. इफ द प्रीवियस ओनर हैज ऑल्सो अक्वायर्ड द एसेट इन द सेम मैनर देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट मीन्स द कॉस्ट ऑफ द लास्ट प्रीवियस ओनर हू अक्वायर्ड इट बाय मीन्स अदर देन दोज विच आर डिस्कस्ड अबव. एंड इफ द प्रीवियस ओनर अक्वायर्ड द एसेट बिफोर 1/4/2001, अदरवाइज गडबड झाली, कारण आपलं लॉजिक काय 1/4/2001 आधीचं असेल तर मग तेव्हाची इकॉनॉमी वेगळी होती वगैरे वगैरे. असं पण काय म्हणतो मग त्यावेळेला, इफ द प्रिव्हियस ओनर अक्वायर द ॲसेट बिफोर 1/4/2001 देन कॉस्ट टू द एसएससी मीन्स कॉस्ट टू द प्रिव्हियस ओनर ऑर एफ एम व्ही ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर. ये दो पॉइंट लिखने का बाकी, फटाफट से लिख लो. Shall I go ahead now? पहला पॉइंट खत्म हो गया अपना. Now next is conversion. In case of conversion of debentures or preferences into equity shares, पहले क्या था? Debentures. या फिर क्या था? Preferences. और उसका एक finite life था. जैसे उसका life खत्म हो जाएगा, उसको किस में convert किया हमने? Equity shares में. In that case, the cost of acquisition of equity shares, वो जो नया equity shares तुमको मिल गया है वो, उसका cost क्या consider करने का? Is equal to that part of the cost of debentures और प्रेफरन्स शेअर्स विच इज अप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स इक्विटी शेअर्स. म्हणजे मग अशी तुम्हाला एक्झाम्पल कुठलं दिलं होतं की 5 लाख रुपयाचे डिबेंचर्स होते मी परचेस केलेले, आणि कंपनीने मला काय सांगितलं होतं की ॲट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, जे 10 साल उसके बाद उसका जिंदगी खत्म हो जाएगा, तो 60% कॅन बी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेअर्स आणि 40% कॅन बी कन्वर्टेड इंटू कॅश. बोला फिर दे दो मेरा कॅश मुझे और इसका मुझे इक्विटी शेअर्स दे दो, या फिर इसका मुझे इक्विटी शेअर्स दे दो. तो इक्विटी शेअर्स की कॉस्ट कितनी पकड़ने की? 5 लाख नहीं पकड़ने की, 3 लाख पकड़ने की. That portion of the original cost of debentures, which is appropriated towards equity shares. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Okay, ले लो, फटाफट से लिख लो. या सिद्धांत सर, आज तुमचा मित्र आलाय.
कंप्लीट। दूसरा कौन है? ईसॉप। ईसॉप मतलब क्या? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इन केस ऑफ शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एज स्वेट इक्विटी, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईसॉप और स्वेट इक्विटी मीन्स द फेयर मार्केट वैल्यू विच इज टेकन इन टू कन्सिडरेशन फॉर दॅट क्लॉज। म्हणजे त्या दिवशी जी फेअर मार्केट व्हॅल्यू जी काय कन्सिडर केली असेल, द डे ऑन विच इट इज ग्रँटेड टू यू, दॅट प्राईस विल बी कन्सिडर, नॉट द ॲक्च्युअल अमाऊंट विच इज पेड बाय यू टू दी कंपनी फॉर अक्वायरिंग द शेअर्स। मग तुम्ही ते एक लाखप्रमाणे तुमची सॅलरी घेतली, तुमची 5 लाख 5 लाख सॅलरी होणार होती ना, सो दॅट अमाऊंट इज इग्नोर्ड ॲक्च्युली स्पीकिंग। म्हणून ते म्हणतात नाही, तुम्ही कंपनीला किती पे केले ते बघू नका, तर ज्या दिवशी तुम्हाला ते शेअर्स परचेस करायचे त्या दिवशी ज्या शेअर्सची फेअर मार्केट व्हॅल्यू विल बी कन्सिडर्ड ॲज कॉस्ट, नॉट द अमाऊंट विच यू ॲक्च्युली पेड टू द कंपनी, बट द अमाऊंट विच यू कुड हॅव पेड टू द कंपनी इफ यू वुड हॅव परचेस इट ॲज इफ इट्स अ नॉर्मल शेअर होल्डर, नॉट ॲज अ कंपनी, सॉरी नॉट ॲज अन एम्प्लॉई हू हॅज वर्क विथ द कंपनी फॉर पास्ट 3-4 इयर्स। समज मी आ रहा है, लिख लो ईसॉप। कंप्लीट। नेक्स्ट वन अब थोड़ा अलग है, डीमर्जर की बात चालू है। शेयर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ डीमर्जर। तो मैंने क्या क्या एक एग्जांपल लेके रखा है, पहले लॉजिक सुन लो क्या है। द ओरिजिनल कंपनी इज कॉल्ड एज डीमर्ज कंपनी एंड द न्यू कंपनी इज कॉल्ड एज रिजल्टिंग कंपनी। जो कंपनी पहले से था उसको हम बोलेंगे डीमर्ज कंपनी, उसका डीमर्जर हो चुका है पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज डीमर्ज कंपनी, समझे क्या। और जो कंपनी क्रिएट हो रही है, दो अलग अलग कंपनीज क्रिएट होंगी, दे आर कॉल्ड एज रिजल्टिंग कंपनीज। ओके, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी, मतलब नई कंपनी जो बन चुकी है वो, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, पुराने कंपनी का जो शेयर्स मैंने परचेस किया था तभी का कॉस्ट, इन टू नेट बुक वैल्यू ऑफ डीमर्ज कंपनी ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी इन डीमर्जर अपॉन नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी बिफोर डीमर्जर। सर जरा टफ जा रहा है समझने के लिए, लेट अस कंसिडर इट बाय वे ऑफ अ सिंपल एग्जाम्पल। पहले कंपनी का नाम मैंने रखा डार, डार मतलब क्या है, वो धीरूभाई अंबानी रिलायंस, उनका रिलायंस था वो। ओके, सो धीरूभाई अंबानी का रिलायंस लेट अस से उसका नेट एसेट कितना था, उसका नेटवर्क कितना था, 500 करोड़ था, इतना कम नहीं है मुझे मालूम है, अपना एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने कंसिडर किया, बाकी कुछ नहीं। सो धीरूभाई अंबानी वाला रिलायंस जो है उसका कीमत, उसका नेटवर्थ 500 रुपये था। नेटवर्थ मतलब क्या, उसके नेट एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू माइनस उसका लाइबिलिटीज, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज उसको पे करेंगे तो जो बचेगा दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्थ, वो 500 करोड़ है। और बाद में वो डीमर्ज हो गया, डीमर्ज होकर उसका दो अलग अलग कंपनी बन गया, एक मुकेश अंबानी वाला रिलायंस और एक अनिल अंबानी वाला रिलायंस। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो उसमें से 60% मुकेश अंबानी वाले को चला गया और 40% अनिल अंबानी को चला गया, तो 500 करोड़ का दो टुकड़ा हो गया, 300 करोड़ और 200 करोड़। अब मेरे पास क्या थे, धीरूभाई अंबानी वाले कंपनी के शेयर्स थे। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ धीरूभाई अंबानी लिमिटेड, धीरूभाई अंबानी का रिलायंस हेल्ड बाय मी वेयर 100 एंड जब मैंने वो परचेस किया तभी और परचेस बाय मी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000 50,000। तो मैं धीरूभाई अंबानी जब शेयर्स अपनी कंपनी चला रहे थे तभी उनके कंपनी का शेयर्स परचेस किया, 50,000 रुपये देके, मेरे पास 100 शेयर्स थे। बट धीरूभाई अंबानी चले गए और उसके बाद बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, तो धीरूभाई अंबानी का कंपनी बिकेम डीमर्ज्ड कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी कौन सा बन गया, मुकेश अंबानी वाला रिलायंस एंड अनिल अंबानी वाला रिलायंस, दे आर कॉल्ड रिजल्टिंग कंपनी।
अब मेरे पास जो धीरूभाई अंबानी के कंपनी के शेयर्स है वो भी कुछ काम के नहीं, क्योंकि वो कंपनी गायब हो गया। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैं उनको बोलूंगा दोनों भाइयों का, अरे ऐसा क्या कर रहे हो, मेरे शेयर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। बोलते नहीं सर आप टेंशन मत लो, वो शेयर्स के बदले में आपको हमारी कंपनी के शेयर्स मिले। मैं बोलूंगा कौन से कंपनी के शेयर्स मिलेंगे? मेरे पास 500 करोड़ वाले कंपनी के शेयर्स थे, अब तुम लोगों ने कंपनी को तोड़ के दो अलग अलग कंपनी बनाया है। समझे गए मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुम बोलोगे कि वो 500 करोड़ वाले कंपनी के शेयर्स के बारे में आप 300 करोड़ वाले कंपनी के शेयर्स ले लो। मैं बोलूँगा पागल है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, मुझे दोनों कंपनी के शेयर्स मिलने चाहिए। तो मुझे मुकेश अंबानी की कंपनी के भी शेयर्स मिलेंगे और अनिल अंबानी की कंपनी के भी शेयर्स मिल जाएंगे, बिकॉज मेरे पास धीरूभाई अंबानी की कंपनी के शेयर्स थे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मार रिसीव्ड बाय मी आर लेट अस से 120 एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ आर रिसीव्ड बाय मी आर लेट अस से 80। देन द कॉस्ट ऑफ मार फॉर मी विल बी, मैंने ओरिजिनल कॉस्ट कितना पे किया था 50,000, 50,000 इंटू 300 अपॉन 500, सर 300 क्या आपका 300, 500 क्या आपका ये 500 है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो 50,000 इज द कॉस्ट विच आई पे टू धीरूभाई अंबानी का कंपनी टू परचेज द शेयर्स ऑफ धीरूभाई अंबानी इंटू 300 इज द नेट वैल्यू, सॉरी नेट एसेट्स नेटवर्थ ऑफ मुकेश अंबानी डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ धीरूभाई अंबानी। सो कॉस्ट पेड बाय मी, कॉस्ट पेड इन डीमर्ज्ड कंपनी मतलब 500, सॉरी कितना 50,000, सॉरी फॉर दैट। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? इन टू वॉट नेटवर्थ ऑफ रिजल्टिंग कंपनी अपॉन नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, सो इनटू क्या बोलना पड़ेगा 300 अपॉन 500। समझे गया मैं क्या बोल रहा हूँ? नेटवर्थ ऑफ रिजल्टिंग कंपनी कितना है ये 300, नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी कितना है ये 500, सो 300 अपॉन 500। और मेरे पास अनिल अंबानी का भी शेयर्स मिलने वाला है तो उसका भी क्या बोलूँगा, सेम फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डीमर्ज, कॉस्ट पेड इन डीमर्ज कंपनी मैंने 50,000 इंटू नेटवर्थ ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, मैंने अनिल अंबानी कंपनी नेटवर्थ कितनी है 200, सो मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइड बाय 500, गॉट इट? सो नेटवर्थ ऑफ डार इज 500 करोड़, डीमर्ज बाय क्रिएटिंग ओनली मार। अभी और भी हो सकता है, कभी कभी और एक सिचुएशन रह सकता है। कौन सा सिचुएशन? कि डार को तोड़ के दो नहीं बनाया, एक मार और एक आर, ऐसा नहीं किया, बल्कि डार में से मार को क्रिएट किया, डार अभी भी जिंदा है, डार को बंद करके मार आर बनाया, ये पहला सिचुएशन। और दूसरा, डार को बंद किए बिना उसमें से कार्व आउट किया, थोड़ा उसको दिया और डार अभी बचा कुछ बाकी है, ऐसा रखा, तो क्या कंसिडर करने का? समझ में आ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, देर इज नो कंपल्शन दैट डीमर्जर विल ऑलवेज बी रिजल्टिंग इन टू ओल्ड कंपनी मस्ट गेट डिसॉल्व, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे क्या होगा, एक बंद और दो चालू। यहाँ पे क्या है, जो था वो है लेकिन अभी थोड़ा वीक हो गया है, छोटा हो गया है और नया वाला क्रिएट हो गया। गॉट द आइडिया? नेटवर्थ ऑफ डार इज इक्वल टू 500 करोड़, डीमर्ज बाय क्रिएटिंग ओनली मार, सो आफ्टर डीमर्जर देर इज डार एंड मार, अभी आर आए नहीं है। समझे गया मैं क्या बोल रहा हूँ? इन दैट केस नेटवर्थ ट्रांसफर टू मार सपोज 200 करोड़ है, जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे एंड शब्द चाहिए, गलती से 7 दिख रहा है वो, एंड नेटवर्थ रिटेन बाय डार इज 300 करोड़। इन दैट केस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ डार हेल्ड बाय मी वेयर 100 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 50,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मार रिसीव्ड बाय मी आर सपोज 120, देन कॉस्ट ऑफ, ऑड नहीं चाहिए ऑफ चाहिए, कॉस्ट ऑफ मार फॉर मी विल बी इक्वल टू 50,000 इंटू 200 अपॉन 500 एंड अ कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग डार इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ डार माइनस कॉस्ट अलाउड फॉर मार, मतलब 50,000 - 20,000 इज इक्वल टू 30,000। इसके लिए प्रोपोर्शन का लॉजिक यूज किया, इसके लिए प्रोपोर्शन का नहीं माइनस का लॉजिक यूज किया है। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? चलो फटाफट पूरा कर लो। नीचे का एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम्पल लिखोगे तो भी चलेगा, दो एग्जाम्पल से याद रखना, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2।
कंप्लीट। Shall I go ahead? ओके चल सर, शेयर्स ऑफ ओरिजिनल कंपनी आफ्टर डी मर्जर, उसका ये हमें वर्किंग करके रखा है यहाँ पे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द ओरिजिनल कंपनी माइनस अमाउंट ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग कंपनी एज कैलकुलेटेड अबव। ये जो हमने यहाँ पे दूसरा वर्किंग किया है ना, उसके लिए वो फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है। ओके लेट्स गो अहेड नाउ। अभी डोनी की बात करेंगे, मतलब डोनेशन में मिल गया वो। इफ अ फर्म और अ क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्संस ऑन और आफ्टर 1st of June 2010 एनी प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट बींग अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देन इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इट्स वैल्यू इज कैलकुलेट एज फॉलोज। विदाउट कंसिडरेशन रहेगा तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट एक्सीड्स रुपीज 50,000। इनएडिक्वेट कंसिडर रहेगा तो डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर इज द फेयर मार्केट वैल्यू एज स्टेटेड अबव। मतलब ये
ऊपर का जो पार्ट है दैट टॉक्स अबाउट हाउ द ट्रीटमेंट हैपन्स वेन यू गेट अ डोनेशन और वेन यू गेट अ गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी विच इज क्लोजली हेल्ड कंपनी. इफ अ फर्म और अ क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन ऑन और आफ्टर 1 June 2010 एनी प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट बींग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. मतलब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है, समझ समय क्या मत होते, पब्लिकली हेल्ड कंपनी नहीं है, फ्यू मेंबर्स आर देर. अशा कंपनी का शेयर जर का एखाद फर्मला मिला कि अशा कंपनी का शेयर जर का एखाद क्लोजली हेल्ड कंपनी पर कसे मिला विदाउट एनी कन्सिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कन्सिडरेशन. म्हणजे पहिली गोष्ट देणारा कोण आहे आणि घेणारा कोण आहे. देणारा कोणी असू शकतो डोनर एनीबडी डोनी कोण पाहिजे आयदर पार्टनरशिप फर्म और क्लोजली हेल्ड कंपनी. हा पहिला पॉइंट झाला, कळतंय. सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, क्या डोनेशन दे रहे हो, क्या गिफ्ट दे रहे हो. तो यू आर गिविंग शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी. ओके नेक्स्ट, कैसे दे रहे हो, हु सॉरी हुम फॉट हाउ इट इज गिवन आइदर फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. समझा मैं कैसे बोल रहा हूं. ओके किसने दिया, किसी ने भी, किसको दिया, आइदर पार्टनरशिप फर्म को नहीं तो क्लोजली हेल्ड कंपनी को. क्या दिया, शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी. कैसे दिया, आइदर फ्री नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. हु टू हुम व्हाट एंड हाउ. तो ट्रीटमेंट क्या है, इन दैट केस इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. जिसको मिलेगा उसके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करके टैक्स किया जाएगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू, उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अगर विदाउट कंसिडरेशन रहेगा तो द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट एक्सीड्स रुपीज 50,000. वो जो भी कुछ प्रॉपर्टी है तुम्हारा, ये जो शेयर्स के रूप में दिया हुआ है, उसका कीमत अगर 50,000 से कम रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, 50,000 के ऊपर रहेगा तो उसको फिर हम लोग जितना उसका फेयर मार्केट वैल्यू है उतना सारा का सारा इनकम करके कंसिडर करेंगे इन द ईयर इन विच यू रिसीव द गिफ्ट. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. नहीं सर, वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन नहीं है. तो हम बोलेंगे इन दैट केस द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड द अमाउंट विच इज पेड बाई यू विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सर लेकिन हम तो इनकम नहीं कैलकुलेट करने को निकले थे, हम तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने को निकले थे. मैं बोल रहा हूँ ये कौन सा पॉइंट है, ये जब तुमको मिला तब का पॉइंट है, जब मिला तब उसका इनकम करके कंसिडर किया जाएगा. सर मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, मैंने इनकम कमाया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ गिफ्ट रिसीव किया हुआ है, मुझे तो सिर्फ डोनेशन मिला हुआ है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ. और वो भी शेयर्स का, मैं कौन हूँ फर्म नहीं तो कौन हूँ क्लोज हेल्ड कंपनी. मुझे क्या मिल रहा है, शेयर्स ऑफ व्हाट कंपनी, क्लोज हेल्ड कंपनी. कैसे मिल रहा है, फ्री नहीं तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. तो मैंने कुछ किया नहीं सर, मेरा इनकम कैसे हो सकता है. हम बोलेंगे ऐसा होता नहीं है, कोई भी किसी को, किसी फर्म को, किसी कंपनी को फ्री में कुछ देता नहीं है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. मतलब शायद फर्म ने उसका कुछ ना कुछ तो काम करके दिया हुआ है, बट वो काम शायद कागज पे लाने का नहीं है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. और उस काम के बदले में फिर हम पैसा देने का है, पैसा भी देने के लिए देने का नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर दे रहे किसी दूसरे कंपनी का. बोले ठीक है चलेगा, अच्छी बात है, हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, फिर इनकम कंसिडर कर लेंगे. इसको हम इनकम कंसिडर कर लेंगे. मैं बोला ठीक है चलो, अभी इनकम कंसिडर किया तो किया. कैसे कैलकुलेट करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड इफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स विच आर ट्रांसफर्ड इज मोर देन 50,000 एंड दे आर ट्रांसफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. नहीं सर, दे आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस द अमाउंट विच इज पेड बाय यू दैट विल बी कंसिडर्ड एज द अमाउंट ऑफ इनकम इन द ईयर इन विच यू रिसीव सच शेयर्स. अब आगे वो शेयर्स तुमको मिलकर हो गया, अब आगे चलो एक साल, दो साल, तीन साल, चार, 10-15 साल हो गया, बाद में शेयर्स तुम बेचने को जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. और तब तुमको क्या लगेगा, लेस फ्रॉम दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देन, द एक तो तुमको फ्री में मिला था, नहीं तो तुम्हें इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे किया था, तो उसका कॉस्ट जीरो पकड़ने का है क्या, फ्री मिला रहेगा तो. या फिर जो तुमने एक्चुअल छोटा अमाउंट पे किया था वो कंसिडर कर, बोलते हैं वैसा नहीं कंसिडर करने का. देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी आफ्टरवर्ड्स विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू एज स्टेटेड अबव.
क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या बोला था, पूरा पूरा फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज योर इनकम, तो जब मिल रहा है तब इनकम, तो बाद में जब बेचूंगा तो दैट अभी जो इनकम कंसीडर किया था इट विल बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट आफ्टरवर्ड्स। सो जब मिला तभी रिसीव्ड तो इनकम, एंड बाद में सोल्ड तो दिस इनकम विल बिकम कॉस्ट, एंड बाद में जो पैसा मिलेगा बेचने के बाद डेट विल बी माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से कॉस्ट को माइनस करूंगा, बीचेगा जो डिफरेंस आएगा डेट विल बी माई कैपिटल गेन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? किसी के पास से फ्री में कुछ मिल गया तो तुम्हारा इनकम है करके कंसिडर करो। गवर्नमेंट का सिंपल लॉजिक है, कोई किसी को खाली फुकट गिफ्ट देता नहीं है। तो आपका शायद ब्लैक ट्रांजेक्शन है, आप उसको लाना नहीं चाहते हो, फिर भी आप अपने ट्रांजेक्शन को सेटल करना चाहते हो, ब्लैक को व्हाइट करने के लिए आप उसको गिफ्ट करके दिखा रहे हो। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, गिफ्ट तो गिफ्ट, लेकिन इनकम टैक्स भर दो। जिस साल में मिला उस साल डिस्क्लोज कर दोगे तो हम लोग उसको सिर्फ नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से कवर कर देंगे, और तभी चुप बैठोगे तो बाद में अनडिस्क्लोज इनकम करके आगे तो 60% टैक्स भरना पड़ेगा। उससे अच्छा अभी चुपचाप से नॉर्मल के हिसाब से कंसिडर कर। मैं बोलूँगा सर लेकिन अभी आपने इनकम कंसिडर कर लिया, अब मैंने इसके ऊपर टैक्स भी भर दिया, बाद में शेयर्स में एक्चुअली बेचने को जाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? फिर ठीक है ना, अभी तूने जो टैक्स भर दिया ना जिस इनकम के ऊपर, दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड एज योर कॉस्ट, सो नॉट टू वरी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट इट? चलो फटाफट कर लो पूरा।
कंप्लीट, ओके ग्रेट। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का समरी देखने का अपने को, कैपिटल एसेट अगर वो परचेस किया रहेगा एसएससी ने बिफोर 1/4/2001 तो उसको ऑप्शन क्या है, कॉस्ट टू द एसएससी और एफएमवी ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। अगर ऑन और आफ्टर 1/4/2001 लिया रहेगा तो फिर कॉस्ट टू द एसएससी, फिर वो फिर से बार फेयर मार्केट वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने बहुत पुराने जमाने में परचेस किया हुआ नहीं है। बहुत पुराने जमाने में परचेस किया तो हम क्या बोलते हैं कि यार तभी का इकोनॉमी अभी का इकोनॉमी कंपेरेबल नहीं है, तो बेटर दैट यू कैन कंसिडर सम डेट। मैं आपको बोला था जब मैं स्टूडेंट था तभी वो 1/4/81 का डेट था, तुम्हारे टाइम में डेट क्या चालू है 1/4/2001 का डेट चालू है, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। सेकंड, बट नहीं सर एसेट उसने परचेस नहीं किया, उसने रिसीव किया हुआ है, एसेट इज नॉट परचेस बाय हिम बट इट इज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। तो इन दैट केस अगर वो प्रीवियस ओनर एसेट उसको मिला कभी है, प्रीवियस ओनर ने गिफ्ट कब दिया है, 1/4/2001 के पहले दिया हुआ रहेगा, तो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर और एफएमवी ऑन 1/4/2001 व्हिच एवर इज हायर, क्योंकि प्रीवियस ओनर का कॉस्ट भी 1/4/2001 के पहले का ही था तो ऑटोमेटिकली मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं सर मुझे गिफ्ट मिला है, मुझे जो इनहेरिटेंस या फिर क्या बाकी का सब सिचुएशन है वो सब कब मिला है, 1/4/2001 के बाद में मिला है, लेकिन मुझे जिसके पास से मिला है उसने खुद ने 1/4/2001 के पहले परचेस किया था। सो आई रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम माई फादर इन द ईयर ऑफ 2012 बट माई फादर परचेस द प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ 1999। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सिचुएशन कैसा है कि आई रिसीव्ड गिफ्ट इन द ईयर ऑफ 1999, ये सिचुएशन कैसा है कि आई रिसीव्ड इट इन 2012 बट माई फादर परचेस इट इन 1999, एंड ये कैसा है आई रिसीव्ड इट इन 2012 माई फादर परचेस इट इन 2004। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं, ये कैसा है आई माई सेल्फ परचेस इट इन 1999 एंड यार आई परचेस इट इन द ईयर ऑफ 2012। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? तो इफ आई हैव रिसीव्ड इट इन 2012 फ्रॉम माई फादर हु परचेस इट इन 1999, इन दैट केस कॉस्ट टू मी इज इक्वल टू कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, बट प्रीवियस ओनर का कॉस्ट इज फ्रॉम ओल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, देयरफॉर अगेन एन ऑप्शन विल बी गिवन टू मी और 1/4/2001 का एफएमवी व्हिच एवर इज हायर। बट इफ आई हैव परचेस्ड इट इन 2000 आई हैव रिसीव्ड इट इन 2012 फ्रॉम माई फादर हु परचेस्ड इट इन 2004, तो देन द कॉस्ट टू माई फादर इज ऑल्सो इन द न्यू इकोनॉमी नॉट इन द ओल्ड इकोनॉमी, दैट मीन्स एफएमवी ऑन 1/4/2001 का ऑब्जेक्ट चला गया, कैंसिल हो गया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, चलो समरी बना लो फटाफट से, फिर कॉस्ट ऑफ एक्वेशन पूरा हो जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देखने का है, फिर बाद में इंडेक्स कॉस्ट देखने का है, फिर बाद में उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने के।
कंप्लीट, वेरी गुड. सो हियर यू कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट और एक्चुअली सीकिंग थर्ड पार्ट. पहला कौन सा था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो छोटा सा था. बाद में कौन था? ट्रांसफर एक्सपेंसेस, वो भी छोटा सा था. तीसरा कौन सा था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसके अंदर दो पार्ट है. एसएससी ने खुद ने परचेस किया रहेगा तो, नहीं तो एसएससी को मिल गया रहेगा तो. मिल गया रहेगा तो उसके अंदर दुनिया भर के अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट थे. सुनने में क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सबका समरी अल्टीमेटली क्या है? बिफोर 1421 रहेगा तो आइदर द कॉस्ट और FMVN 1421. कॉस्ट क्या है उसके लिए तुमको शायद थोड़ा दिमाग चलाना पड़ सकता है. और 1421 के बाद में परचेस किया रहेगा तो जो पेमेंट किया है वही. नहीं सर, मैंने परचेस नहीं किया, मुझे मिल गया है. तो इन दैट केस बाबा ठीक है. फिर कब मिला? सर मुझे 1421 के पहले ही मिल गया था. फिर इन दैट केस कॉस्ट और FMV व्हिचएवर इज हायर. नहीं सर, मुझे 1421 के बाद में मिला, लेकिन जिसके पास से मिला उसने खुद ने परचेस किया था 1421 के पहले, तो फिर से बार कॉस्ट और FMV व्हिचएवर इज हायर. सर मुझे भी मिला 1421 के बाद, और जिसके पास से मिला उसने भी परचेस किया था 1421 के बाद, तो ठीक है फिर कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, नाउ लेट अस कंसीडर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. फिर ये पूरा होने के बाद हम सीखेंगे इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके चल, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मीन्स एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग द वैल्यू और लाइफ ऑफ द एसेट. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस कॉस्ट इज जनरली रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड ओनली फॉर लैंड और बिल्डिंग. शेयर्स, डिवेंचर्स, गोल्ड, इसको आप कैसे इंप्रूव करोगे? समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो दिस इज बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ एसेट्स लाइक बिल्डिंग, बंगलो. बंगलो समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बिल्डिंग है, बंगला है, जमीन है, तो जमीन को लेवलिंग करना है, उधर कुछ प्लांट ये किया रहेगा, वगैरह उसका रोड बना के रखा, कंपाउंड फेंसिंग करके रखा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आइदर इट इज इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द एसेट और इट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट. एनी सच एक्सपेंडिचर विच इज ऑफ कैपिटल नेचर, हाँ रेवेन्यू नेचर नहीं चलेगा. ओके, एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू 1421 इज ऑलवेज इग्नोर्ड. नाउ हियर आई वॉन्ट यू टू टेल मी वाई इट इज इग्नोर्ड. सोचिए, क्लियर सेंटेंस बोल देता है कि एकदम सीधा बोल दिया 1421 के पहले क्या हुआ इंप्रूवमेंट का खर्चा हम इग्नोर करने वाले हैं सीधा. क्यों? कॉस्ट पे तो बोल रहे थे कि अलग अलग चीज़ चलेगी, एक्विजिशन में बोल रहे थे अलग अलग चलेगी, इंप्रूवमेंट में सीधा बोलते इग्नोर कर देंगे. क्यों? ऐसा क्यों? थोड़ा लॉजिकल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लॉजिकल है. ये है कि मन में कुछ तो है, बोलो. सोच के देखो, हमने ऑलरेडी क्या बोल दिया था, 1421 के पहले तुमने एसेट परचेस किया है. लेट अस से मैंने 1976 में एसेट परचेस किया था, तब मैंने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इतना ही कंसिडर किया था, वो बंगलो जो था वो. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? दिस इज 1976. बाद में क्या हो गया, 1994 में मैंने सेकंड फ्लोर बांधा. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बाद में 2002 में मैंने थर्ड फ्लोर बांधा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और बाद में अभी 2024 में उसको बेचा. तो 2024 में मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. उसमें से क्या माइनस करने का रहेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू द अमाउंट विच इज स्पेंड फॉर द पर्पज ऑफ अक्वायरिंग द एसेट. अक्वायर करने के टाइम ये परचेस किया था, ये परचेस किया था, याद है क्या? बट वो 1976 का है. तो हम क्या बोलते हैं, अगर आपने 1421 के पहले परचेस किया रहेगा, इन दैट केस इट इज आइदर द कॉस्ट विच इज स्पेंड बाय यू और FMV ऑन 1421 व्हिचएवर इज हायर. तो FMV ऑन 1421 के टाइम ऑलरेडी वो ये वाला कंसिडर किया रहेगा, उसके अंदर ये ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर तो आ रहेगा, सेकंड फ्लोर भी आ रहेगा, क्योंकि 1421 को मेरा घर ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर वाला नहीं था, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर वाला बन चुका था. क्या रहे, समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के टाइम क्योंकि ये वाला फॉर्मेट यूज किया, ये वाला यूज किया ना आपने. क्या समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपने ऑलरेडी कॉस्ट टू द एसएससी और FMV 1421 लेके हो गया विच एवर इज हायर. तो ऑब्वियसली FMV विल बी ऑफ नॉट जस्ट ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, इट विल बी ऑफ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर. क्या समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब सेकंड फ्लोर का कॉस्ट इसके अंदर कवर करके हो गया ना ऑलरेडी, एक्विजिशन के अंदर आ चुका है वो, तो फिर से इंप्रूवमेंट में लेने को नहीं मिलेगा. सो दिस कॉस्ट विल बी इग्नोर्ड, बट दिस कॉस्ट कैन बी कंसिडर्ड. क्यों? बिकॉज इट इज इनकर्ड आफ्टर 1421, मतलब इट इज नॉट कंसिडर्ड इन द FMV ऑन 1421. समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो मैं ये भी कंसिडर करता हूँ कि हम लोग बिल्डिंग एक के ऊपर एक मंजिल नहीं बांधते रहेंगे. सपोज 1976 में घर परचेस किया था, बंगलो परचेस किया था, जितना है उतना ही घर है मेरा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन बाद में 1986 में
उसको रीप्लास्टरिंग किया पूरा पूरा, लीकेज वीकेज नहीं होना चाहिए वगैरह करके, उसके लिए रीप्लास्टरिंग किया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बाद में 1996 में फिर से बार रीप्लास्टरिंग किया, दूसरी बार 10-10 साल के बाद में पूरा प्लास्टर निकाल के फिर से रीप्लास्टरिंग करता हूँ कि बाबा अच्छा रहना चाहिए वगैरह करके। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और 1999 में पूरा वो जो बाहर का कंपाउंड वाल था वो गिरना चालू हो गया था, उधर सब वो जो अलग अलग पेड़ वगैरह आके उसके अंदर से सब गड़बड़ हो रहा था, सब छोटा छोटा ये आ रहा था करके, मैं बोला चलो वो क्रैक्स आ रहे हैं ना, पूरा कंपाउंड वाल गिरा दिया, फिर से नया कंपाउंड वाल बांध दिया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? और बाद में 2004 में फिर से रीप्लास्टरिंग किया, फिर 2009 में फिर से रीप्लास्टरिंग किया। बोलेंगे सर ये पुराना सारा का सारा खर्चा छोड़ दो, क्योंकि आप जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलोगे तो क्या बोलेंगे, 1976 का कॉस्ट और FMV ऑन 14-2001 विच एवर इज हायर, तो उसके अंदर ये सब आपने जो रीप्लास्टरिंग किया है कंपाउंड वॉल क्या सब ऑलरेडी कवर करके हो गया उसके अंदर। क्या समझ सकते हैं मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट्स वाई ये सब खर्चा फिर से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑन 1476, सॉरी इन द ईयर ऑफ 1976 व्हाट एवर यू हैव पेड, और FMV ऑन 14-2001 को कौन सा घर देखेंगे? दो बार रीप्लास्टरिंग किया हुआ घर का कीमत देखेंगे। 14-2001 को किसका कीमत देखेंगे? जिसका कंपाउंड वाला एक बार गिरा के फिर से बांध के हो गया वो वाला घर देखेंगे। तो मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऑलरेडी पहला वाला कॉस्ट सब कवर करके हो गया, नॉट ओनली दिस कॉस्ट बट इवन दिस टू कॉस्ट, दिस थ्री कॉस्ट आर ऑल्सो कवर्ड, इसलिए फिर से उसको कंसिडर नहीं करने का, ये वाला कवर करने का बाकी रहेगा, इसलिए उसको माइनस करने को मिल सकता है। गॉट द आइडिया? किया जी, घर के बच्चे समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? वो है कैसे हो गए घर के बच्चे? यस सर। ओके ग्रेट, सो एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर 14-2001 इज ऑलवेज इग्नोर्ड, क्यों? लॉजिक समझा दिया है। ओके नेक्स्ट, तो इंप्रूवमेंट का खर्चा कौन सा है? सिंपल, अगर 14 प्रीवियस ओनर ने किया रहेगा, नहीं तो हमने खुद ने किया रहेगा, किसी ने भी किया रहेगा तो भी, 14-2001 के पहले किया रहेगा तो इग्नोर कर दो, और 14-2001 के बाद में किया रहेगा तो कंसिडर कर दो। इंप्रूवमेंट का खर्चा काफी सिंपल है, चलो लिख लो।
Shall I go ahead? Very good. कितनी बार ले 145. वी आर हैविंग स्टिल 15 मिनट्स. ओके, ये लिख के नहीं होगा मुझे पता है, डोंट वरी, डिस्कस करके रखता हूँ. फिर हम लोग लंच ब्रेक लेंगे, लंच ब्रेक के बाद लिखेंगे, पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे. तो आज अपना यही होगा सिर्फ, आगे का पार्ट नहीं होगा. स्पेशल सिचुएशन आज कंप्लीट करके नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, बट इट्स ओके. धीरे धीरे जाएंगे तो भी चलेगा. मेरे ख्याल से मंगलवार तक अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, या फिर बुधवार लेटेस्ट लेट. फिर अदर सोर्सेज को एक दिन काफ़ी है, ढाई घंटे में अदर सोर्सेज खत्म होता है, 3 घंटा मैक्सिमम. सो अदर सोर्सेज विल भी, मतलब नेक्स्ट वीक में अदर सोर्सेज भी खत्म हो जाएगा. फिर उसके अगले हफ्ते में हम लोग करेंगे क्लबिंग, एक दिन सेट ऑफ, एक एक दिन का लेक्चर, मतलब 3-3 घंटे का लेक्चर है, वो खत्म हो जाएगा. फिर चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन के लिए 3-4 दिन लगेगा कम से कम. और बाद में फिर ग्रॉस टोटल इनकम का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और बाद में तुम्हारा ये TDS, TCS, इनकम टैक्स रिटर्न्स, वो सब चीज़ें पूरा करने का. सो फटाफट हो जाएगा. एक बार कैलकुलेशन ऑफ इनकम का पॉइंट खत्म हो गया ना, तो देन आगे का इनकम टैक्स ईजी है, देन इट इज़ मोर प्रोसीजरल. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? कैलकुलेशन ऑफ इनकम पूरा लॉजिकल है, दुनिया भर का अलग अलग लॉजिक से उसके अंदर आता है. चलो, इन केस ऑफ बिजनेस इनकम, ये तुमको लिखने का भी नहीं है, याद रखो, ये सिर्फ समझने के लिए कि बिजनेस इनकम में सोच के देखो, मैं स्टॉक परचेस करता हूँ, मेरा इंटेंशन क्या रहेगा परचेस करने का? तो उसको फट से बेचने का कोशिश करूंगा कि उसको पकड़ के रखूंगा हमेशा हमेशा के लिए? फट से बेचने का कोशिश करूंगा. आई डोंट नॉट, इट्स नॉट लाइक कलेक्टर्स आइटम दैट आई एम गोइंग टू सेल. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा पैसा अटक गया ना उसके अंदर, तो मेरा कोशिश रहेगा फटाफट बेचूं, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे परचेस किया है. उसने मुझे बोला है सर आपको 30 डेज का क्रेडिट है, तो मैं तो कोशिश करूंगा 30 डेज का क्रेडिट पे परचेस किया हुआ चीज अगर मैं हो सके तो कैश पे बेच दूं, तो उसका पैसा मुझे 30 दिन यूज करने को मिल जाएगा. मैकडोनल्ड्स वही तो करता है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? कोका कोला के पास से वो पोटैटो वाले जो लोग रहेंगे, वो बंस बनाने वाले जो लोग रहेंगे, उनके सब कैसे क्रेडिट पे परचेस करता है, लेकिन हमको मैकडोनल्ड्स में जाने के बाद क्या करना पड़ता है? इमीडिएटली कैश पे करना पड़ता है. सो दे आर इन अ पोजीशन टू यूज द कैश ऑफ देयर सप्लायर्स. एक्चुअली स्पीकिंग, दिमाग चलाओगे तुमको समझेगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बिजनेस में तो बाई डिफॉल्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉइंट ऑफ परचेस एंड पॉइंट ऑफ सेल, इसके बीच में ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए. जितना जल्दी हो सके उतना खत्म हो जाना चाहिए. कभी कभी चलो ऐसा हो गया कि लाके रखा है स्टॉक और फट से बेच के नहीं हुआ, तो शायद 1 महीना 2 महीना तक अपना स्टॉक पड़ा हुआ है, चलेगा. कभी कभी 6 महीना, कभी कभी 8 महीना, लेकिन हमारा कोशिश तो रहेगा फटाफट. नहीं तो बाद में हम क्या करेंगे, 15 अगस्त स्पेशल सेल, दिवाली स्पेशल सेल, गणपति स्पेशल सेल, ऐसा कर करके लोगों को बुला बुला के फटाफट से चलो प्रॉफिट नहीं हो तो भी कम से कम कैश निकल जाए अपने. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऐसा करके हम लोग गुस्से से बाहर निकलने का कोई, वी डोंट वॉन्ट टू होल्ड इट फॉर एवर. दैट मीन्स जनरली द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ सेल इज गोइंग टू बी लेस देन 12 मंथ्स वेन इट कम्स टू बिजनेस स्टॉक. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसके से फर्क क्या पड़ेगा? लेस देन 12 मंथ्स, इसका मतलब इन्फ्लेशन का फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा उसके ऊपर. तो पॉइंट ऑफ परचेज शायद 1 महीने में है, लेट अस से इन द मंथ ऑफ अप्रैल है, और पॉइंट ऑफ सेल आपका अगस्त महीने में है. तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक इन्फ्लेशन नहीं हुआ है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ. इन्फ्लेशन तो हर दिन होता रहता है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो इन्फ्लेशन हुआ है उसका इम्पैक्ट काफ़ी छोटा है. तो सेल प्राइस जो आपको मिल रही है और परचेस कॉस्ट जो आपने पे की थी, परचेस कॉस्ट से वह कि इन्फ्लेशन शायद एक मे बी 10% था, और सेल के टाइम शायद वो 10.01% रहेगा, फिर 10.1% रहेगा, 10.5% रहेगा, तो भी वो 0.5% के से आपका प्रॉफिट पे बड़ा फर्क पड़ा ऐसा हम कंसिडर नहीं करते हैं. अगर हुआ रहेगा तो भी हम बोलते हैं कि उसको इग्नोर करो. एंड डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड परचेस प्राइस शुड बी कंसिडर्ड प्योरली एज योर प्रॉफिट. यू शुड नॉट कंसिडर दैट. नहीं सर, डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड परचेस प्राइस इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, नंबर 1 इन्फ्लेशन एंड नंबर 2 प्रॉफिट. ऐसा नहीं बोलते हम लोग. रीजन इज द टाइम गैप बिटवीन द पॉइंट ऑफ परचेस एंड पॉइंट ऑफ सेल इज वेरी स्मॉल, इट इज लेस देन 12 मंथ्स. बट वेन यू आर थिंकिंग अबाउट कैपिटल एसेट, हमने ऑलरेडी बोला 12 महीने के ऊपर, 24 महीने के ऊपर, 36 महीने के ऊपर. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जब वो 12 महीने से छोटा है तो शॉर्ट टर्म है, 24 महीने से छोटा है तो शॉर्ट टर्म है, 36 महीने से छोटा है तो शॉर्ट टर्म है. शॉर्ट टर्म इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि बाबा उसके अंदर इन्फ्लेशन का बड़ा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. नहीं सर, 36 महीना मतलब 3 साल हो गया, और 3 साल हो गया मतलब इन्फ्लेशन का फर्क पड़ता है सर. गवर्नमेंट बोलते हैं हाँ वो ठीक है, इन्फ्लेशन का फर्क पड़ता है, बट उसमें जो एसेट्स आ चुके हैं 12 महीने से अंदर वाले कौन से थे? वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वाला शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, नहीं तो इक्विटी लिंक यूनिट्स, नहीं तो डीप क्या जीरो कूपन बॉन्ड. वो 12 महीने से कम वाले रहेंगे तो शॉर्ट टर्म बोला था, 12 महीने से ऊपर रहेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म बोला हुआ था. बाद में वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में नहीं ऐसा इक्विटी शेयर्स, मतलब सेकंड कैटेगरी लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, ये थर्ड सेकंड कैटेगरी में था, उसमें 24 महीने के ऊपर रहेगा तो हमने उसको बोला था लॉन्ग टर्म कंसिडर करो. मतलब उनकी कीमतें अगर 24 महीने के ऊपर के पीरियड में देखोगे तो शायद उसमें इन्फ्लेशन का फर्क पड़ सकता है, ऐसा हमने बोल कर रखा है.
इक्विटी लिंक यूनिट स्कीम है वो, या फिर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वाले शेयर्स है, उनकी कीमतों में 12 महीने के बाद में भी शायद इन्फ्लेशन का फर्क पड़ सकता है, ऐसा हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। और वो वाले शेयर छोड़ दिए, घर वर सब छोड़ दिए, बाकी कैसेट मतलब क्या गोल्ड है फिर ऐसा सब चीज़ें, तो हम बोल रहे हैं कि जनरली उसमें 3-3 साल के बाद में ही शायद उसके अंदर इन्फ्लेशन का फर्क पड़ता है। जनरली 3 साल के अंदर बेच रहे हो तो उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया रहेगा तो भी उनके भाव में शायद इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं आया रहता है, ऐसा हम बोल रहे हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट डी आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? लेकिन अगर वो वाला एसेट भी तुमने शायद 3 साल के बाद या फिर 24 महीने के बाद मतलब 2 साल के बाद या फिर 1 साल के बाद बेचे रहेंगे, तो जब तुमने खुद ही बोल के रखा है कि इसके बाद में वो लॉन्ग टर्म है, तो इन दैट केस यू शुड एक्सेप्ट इट दैट द सेल प्राइस इज नॉट ओनली मेड अप ऑफ माय कॉस्ट एंड माय प्रॉफिट, बट इट इज मेड अप ऑफ माय कॉस्ट एंड माय प्रॉफिट एंड इन्फ्लेशन इन द प्राइस। तो अगर आप डायरेक्ट बोलोगे एसपी माइनस सी इज इक्वल टू प्रॉफिट और प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा दोगे, तो बोलूंगा दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। अभी ये बिल्डिंग मेट्रो स्टेशन आने के बाद इसका भाव बढ़ गया है, और ये भाव बढ़ना मतलब उसका प्रॉफिट है, अभी ये इन्फ्लेशन नहीं है। क्या रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए क्या? लगना चाहिए। लेकिन ये बिल्डिंग में मैंने जो शॉप परचेस किया है, मेरा ऑफिस परचेस किया है, सपोज मैंने 15 साल पहले परचेस करके रखा था, तो 15 साल पहले मैंने उसको 5 लाख में परचेस किया रहेगा, आज इसको बेचूंगा तो शायद मुझे 50 लाख मिल जाएगा, शायद मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा, तो 1 करोड़ माइनस 5 लाख मतलब 95 लाख रुपीज का मेरा प्रॉफिट है क्या? नो सर। इधर 1 करोड़ क्यों मिल रहा है? क्योंकि साइड में मेट्रो स्टेशन आ गया, इसके लिए 1 करोड़ मिल रहा है। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अगर सपोज मेट्रो स्टेशन नहीं रहता था तो भी मुझे शायद इसमें 40 लाख मिल ही जाता था। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? या फिर 30 लाख मिल ही जाता था, लेकिन बाद में कर्वे रोड बड़ा हो गया, बाद में मेट्रो स्टेशन आ गया। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर प्राइस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से कुछ भाव वैसे भी बढ़ने वाला था। अगर कर्वे रोड नहीं आता था, अगर मेट्रो स्टेशन नहीं आता था, तो भी इस प्रॉपर्टी का भाव थोड़ा बहुत बढ़ता था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो उस इन्फ्लेशन की वजह से जो बढ़त आ गई है उसको हटाना पड़ेगा, और जो प्योर प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम नॉट ऑन इन्फ्लेशन। ये पीजीपीपी में सोचना नहीं पड़ता है, क्यों? बिकॉज द टाइम गैप बिटवीन द पॉइंट ऑफ परचेज एंड पॉइंट ऑफ सेल इज लेस देन 12 मंथ्स। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट कैपिटल गेन में सोचना पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? फिर आजकल जो प्राइस मिल रही है उसको आजकल के प्राइस के मुकाबले हटा के पुराने जमाने में जब परचेस किया तब उसको बेचते थे तो कितने में मिलता था, ऐसा करके सोचने का। बोलेगा सर इसका कुछ मतलब नहीं है, आज की प्राइस को आज की प्राइस ही रहने दो। पुराने जमाने में जो कॉस्ट पे की थी ना उसको आजकल के लेवल में लेके आएंगे, रादर देन कन्वर्टिंग टुडे सेलिंग प्राइस इनटू ओल्ड कॉस्ट, लेट अस कीप द सेलिंग प्राइस एज इट इज एंड लेट अस कन्वर्ट द ओल्ड कॉस्ट इनटू टुडेज प्राइस लेवल। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो हम लोग सेल प्राइस को हम लोग रिड्यूस नहीं करते, सेल प्राइस को ऐसे ही रखते हैं, बट पुरानी कॉस्ट को हम लोग आजकल के प्राइस लेवल में लेके आने का कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब अपने को क्या चाहिए? पुराना प्राइस लेवल क्या था मालूम रहना चाहिए और आजकल का प्राइस लेवल क्या था मालूम रहना चाहिए। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी के टाइम या फिर मेरे पिताजी जब रिटायर हो गए तभी 10 रुपये में जितनी चीज़ मिलती थी, 100 रुपये में जितनी चीज़ मिलती थी, उसी चीज़ों को परचेस करने का भी 200 रुपये पे करना पड़ता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं बोलूँगा इसका मतलब सर डबल प्राइस हो गया, इन्फ्लेशन हैज़ गॉन 100%। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वो घर अगर मैंने अभी 5 लाख में परचेस किया था, अभी उसको आज ही परचेस करने जाऊंगा तो शायद मुझे अभी इसके लिए 10 लाख पेमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने बोला 100% इन्फ्लेशन हो चुका है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर मुझे मिलने वाला 1 करोड़ में से 5 लाख माइनस मत करना, मुझे मिलने वाला 1 करोड़ में से 5 लाख को इंडेक्स लगा के 10 लाख में कन्वर्ट करके फिर 10 लाख को माइनस करना, मतलब 90 लाख इज माई प्रॉफिट। एंड आपको 95 लाख दिख रहा था ना 1 करोड़ माइनस 5 लाख करके, क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 95 लाख मेरा प्रॉफिट नहीं है, 90 लाख मेरा प्रॉफिट है, 5 लाख इज इन्फ्लेशन, उसको हटा दिया। अब 90 लाख के ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, 90 लाख गवर्नमेंट को दे दो, नहीं 90 लाख के ऊपर टैक्स भरो, तो टैक्स का अमाउंट कितना चेक करना पड़ेगा कितना है करके, तो ऑब्वियसली स्मॉल रहेगा, और उसको भी बचाने का चांस मिलने वाला है, सेक्शन 54B, 54D और बाकी बहुत सारे सेक्शन मिलने वाले हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो लॉजिक क्या है? इन केस ऑफ बिजनेस इनकम द इंटेंशन वाइल परचेसिंग द गुड्स इज टू सेल देम एट द अर्लीस्ट, हेंस द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ परचेस एंड डेट ऑफ सेल इज वेरी स्मॉल। However, in case of capital assets, the intention while purchasing them is to use as long as is possible. Therefore, in case of sale of capital assets, the period between the date of purchase and the date of sale can be very large. It implies that the price level at the time of purchase and sale will not be same. In other words, the difference between the sale price and the cost is not profit, but it also includes inflation. To eliminate the impact of inflation and to ascertain the exact amount of capital gain, Income Tax Act has introduced the concept of indexation. According to the concept of indexation,
ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन आर ब्रॉट एट अ प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द ईयर ऑफ सेल. तुम्हारे पास क्या क्या था? ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करना था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना था और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना था सेल प्रोसीड्स में से. तो हम बोलेंगे सर सेल प्रोसीड्स तो आजकल का ही है, उसमें से पुराने जो खर्चे हैं उसको सबको आजकल के प्राइस लेवल में लेके आओ. मैं बोलूँगा ट्रांसफर एक्सपेंसेस अभी किया है मैंने, जब सेल कर रहा हूँ तभी ट्रांसफर एक्सपेंसेस किया हुआ है. मतलब सेल्स प्राइस जो मार्केट प्राइस पे चल रहा है, जो प्रिवेलिंग प्राइस लेवल पे चल रहा है, उसी प्राइस लेवल पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी चल रहा है. मतलब ट्रांसफर एक्सपेंसेस को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता नहीं है. आपने फॉर्मेट कर लिखा था सेक्शन 48 का, आपको समझेगा लॉन्ग टर्म के लिए फॉर्मेट क्या बोलता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस. माइनस इंडेक्स ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं बोलता है, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस बोलता है. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलेगा, बट ट्रांसफर एक्सपेंस को इंडेक्स नहीं बोलेगा. क्यों? क्योंकि ट्रांसफर एक्सपेंसेस उसी साल किए हैं जिस साल में बेचा हुआ है, मतलब उसमें प्राइस लेवल का प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट. दिस इंडेक्स अज्यूम्स द ईयर ऑफ 2001-2002 एज द बेस. इनफैक्ट अगर आपको याद रहेगा तो अभी हमने देखा था, हमने बोला था कि 1/4/2001 के पहले का कॉस्ट रहेगा तो उसको आप क्या कर दो, एक तो आपका एक्चुअल कॉस्ट नहीं तो FMV ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर उसमें कन्वर्ट करके ले लो, क्योंकि हाँ वहां से हम लोग बेस ईयर पकड़ने वाले हैं. तो उस साल के इन प्राइस लेवल को हम लोग 100 मानेंगे, उस साल के प्राइस लेवल को हम लोग 100 मानेंगे. और सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करता है, डिक्लेयर करता है कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है. समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ, हर साल कितना इन्फ्लेशन हुआ है करके गवर्नमेंट बता देता है. दिस इंडेक्स अज्यूम्स द ईयर ऑफ 2001-2002 एज अ बेस, हेंस इट्स इंडेक्स इज टेकन एज टू बी 100 फॉर एवरी ईयर देयर आफ्टर गवर्नमेंट डिक्लेयर्स द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स. मेरे टाइम 1981 वाज 100, अभी मैं ही कैलकुलेट करने का 81 को भूल जाता हूँ, क्योंकि 81 के वाले को क्या कंसिडर करता हूँ, नहीं उसको FMV 1/4/2001 में लेके आ जाओ. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. ओके, द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज अवेलेबल इन केस ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, क्योंकि उसका जिंदगी छोटा है, मतलब उसमें इन्फ्लेशन का ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है. इवन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इट इज अवेलेबल ओनली फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांसफर एक्सपेंसेस. गॉट द आइडिया? एनी डिफिकल्टी? सबको समझा गया? इट्स 157. टेक अ ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक वी सॉल्व दैट पार्ट. ओके.